का MD35F कैमरा जो कि आज से लगभग 33 या 35 साल पुराना कैमरा है, जिसमें कि सेल से ऑपरेटेड यानी बैटरी नहीं थी, उसमें सेल से चलाया जाता था, घड़ी में डलने वाले जो सेल होते हैं उससे उसको चलाया जाता था, डेढ़ और डेढ़ यानी एक सेल डेढ़ वोल्ट का होता है, दो सेल 3 वोल्ट के हुए, तो 3 वोल्ट से वो चला करता था। उसमें कुछ रोल फिल्म डलती थी इस तरीके की, मैं आपको खोल करके दिखा दूँ, रोल फिल्म डलती थी इसमें, नेगेटिव्स हम इसमें क्लिक किया करते थे, फिल्म होती थी इस तरीके की, ये होते हैं रोल, ठीक है। एक पे फोटो खिंचता था, ये थोड़ा अंदर फंस गया, एक सेकंड, हाँ निकलाया, इस तरीके की एक फिल्म होती थी जिस पर कैप्चर करके हमारी नेगेटिव्स छपते थे उस कैमरे में। कैमरा मैं आपको दिखा दूँ, और कैमरे के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अभी से कुछ टाइम पहले इसी कैमरे के बारे में, तो उस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट जो है आए थे, कुछ लोगों की क्यूरीज थी जो कि सॉल्व करनी है मुझे इस वीडियो में। कुछ लोगों ने सवाल किए थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुमारा स्वामी इन भाई ने कहा है कि हाय ब्रो, आई हैव सेम कैमरा माई रिलेटिव गेव मी, इनके रिलेटिव जो हैं उन्होंने इनको ये कैमरा जो है गिफ्ट किया था, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़, प्लीज़ यू कैन टेल मी, कैन आई शेयर माई नंबर ब्रो। तो भाई मैं कुमार स्वामी को बोलना चाहूँगा कि आपको नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी आपके रिलेटिव ने ये कैमरा आपको दिया है, आपको ये कैसे चलाना है मैं बिल्कुल आपको इस वीडियो में बता दूंगा। मैं 2-4 कॉमेंट्स और आए हैं, पहले उनके बारे में भी बता देता हूँ। जय श्री राम, ये नाम है या उनके चैनल का नाम है जो भी है, ये भाई बोलते हैं मुझसे कि भाई इसका रील कहाँ मिलेगा भाई, तो ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं पॉइंट वाइज डिवाइड करिए ये वीडियो में ना, तो इसमें मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। और वापस से इन्होंने एक और कमेंट किया है जय श्री राम कि भाई ये मेरे पास है, इसका प्राइस कितना है भाई। भाई देखो, इसको मैं अभी बता देता हूँ कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता ये कैमरा, ये आपको कहीं चोर बाजार या कहीं पुराने जो कलेक्टर्स होते हैं उनके यहाँ पर मिल जाएगा ये कैमरा, लेकिन आपको अगर चाहें कि आप नई मार्केट में इसको ढूंढें तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। सेकंड हैंड मेरे पास भी सेम पीस पड़ा है, ये मेरे पापा का कैमरा है जो पापा अपने ज़माने 19th century में यूज़ किया करते थे, तो उन्हें कैमरे का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा था। तो आपको जो प्राइस अगर आपके पास है ऑलरेडी और आप बेचना चाह रहे हैं इसे, तो आपको मेरे हिसाब से जो मैंने मार्केट में पता किया है, अपने मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, अलीगढ़ के मार्केट में मैंने पता किया है, इसका जो रीसेल वैल्यू निकला है वो 500 रुपये निकला है अप्रोक्स, ठीक है। और बात रही इसके रोल की, तो रोल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मैंने चेक किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ऑनलाइन जो रोल मिल रहा है ये मिल रहा है आपका 1500 से 2500 रुपये का, और जब मैंने ये परचेज़ किया था तो मुझे ये लगभग मिला था 250 से 300 रुपये का। प्राइस डिफरेंस आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि ऑनलाइन अब के टाइम में और उस टाइम में कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है इस रोल को लेकर के, ठीक है। भाई अगले भाई की बात सुनते हैं कि वो उन्होंने क्या कहा है, इनका नाम है NSENI336, ये भाई बोलते हैं भाई आपने रोल कहाँ से लिया। तो भाई अभी मैंने बताया, मैंने अपनी लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, और ये दो रोल है मेरे पास में अवेलेबल, और ये दोनों ही रोल मैंने आज से करीब 5 से 7 या उससे भी ज़्यादा साल पहले परचेज़ किए थे, और मैंने भी नहीं किए थे, मेरे पापा ने ही परचेज़ किए थे, किसी वेडिंग में फ़ोटो खींचने के लिए, आई थिंक वो बुआ वगैरह की शादी थी वहाँ के लिए। अगर आपको आज के टाइम में यानी 2022 में ये रोल ख़रीदना है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, या ऑनलाइन परचेज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, 200 मैंने जो चेक किया था वो 2500 रुपये का लगभग पड़ा था, यानी 2500 या 2400 के अप्रोक्स ये पड़ रहा है ऑनलाइन। बेहतर होगा कि आप इसको लोकल मार्केट में ढूंढें और वहाँ से परचेज़ करें अगर आपको चलाना है ये, ठीक है। रोल कहाँ से लिया, अगले भाई जो हैं वो हैं गेमर लॉर्ड्स, ठीक है, गेमर लॉर्ड्स, इन भाई का कहना है कि भाई इसका रील ऑनलाइन किस साइट पर मिलेगा। भाई ये अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, अगर आप पर्टिकुलरली किसी साइट पर देखते हैं यानी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या कोई भी और अदर साइट है, मिंत्रा पे तो नहीं मिलेगा खैर, और किसी पे भी देखते हैं तो आपको ये लगभग इतने का ही देखने को मिलेगा, 2500 से 3000 रुपये का।
उससे बेहतर होगा कि आप क्रोम पर डालें, अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र खोलें और उस पर डालें कि लॉर्ड कैमरा रोल करके डालें। इसी तरीके का मैंने आपको दिखा दिया ये किस तरीके का होता है, कैमरा रोल करके डालें उसमें, तो आपको जो है ये क्लियर उसमें रेट पता चल जाएंगे कितने का मिल रहा है, और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर और किसी को क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें भाई। और ये है एक अशोक जाट, जिन्होंने 4 वीक पहले कमेंट किया है, ये कहते हैं कि मेरे पास भी है ये कैमरा, मैं जन्म लिया था ना तब आया था, आज पता चला पर चल नहीं रहा। ये भाई कह रहे हैं कि इन्होंने जब जन्म लिया था तब इन्होंने जन्म लिया था तब कैमरा मिला था या कुछ ऐसा ही है, पर चल नहीं रहा है इनका कैमरा जो है, चल नहीं रहा। तो भाई हो सकता है काफ़ी पुरानी चीज़ है तो मे भी ख़राब हो गई हो, मेरा भी ये प्रॉपर काम नहीं करता कैमरा जो है, पहले इसकी जो फ्लैश है वो जला करती थी, ठीक है, इसको ऊपर कर देते थे, फ्लैश जला करती थी, यहाँ से मैं सेल वगैरह डालता था, अभी मैं सेल वगैरह डाल करके आपको दिखा दूंगा इसमें, और यहाँ पर मैं एक रेड लाइट जलती थी। उसके बाद में ये जो इनका क्या कह रहे थे कि हाँ इनका चल नहीं रहा कैमरा, इन्होंने कुछ वैसे जानकारी लेनी नहीं चाहिए, पर्सनल अपनी एक राय दी है कि इनके पास भी कैमरा है और वो ठीक है, तो ये कुछ कमेंट थे। अब बात कर लेते हैं कैमरे के ओवरऑल चीज़ के बारे में, ठीक है, तो अब आप वीडियो में देखो आगे है वो कैमरा, ये कुछ इस तरीके के कवर में आता था पहले, मैं इस कवर को उठा लेता हूँ, इसका जो चेन है यहाँ पर ये ख़राब हो गई है, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी नई कंडीशन में ये रखा हुआ है, बहुत ही कम यूज़ हुआ है ये कैमरा। ये देखो गाइस क्लियर एकदम, इसकी जो ये फ्लैश दी हुई है यहाँ से ऊपर और नीचे भी जाती है, यहाँ पर इसका मॉडल दिया हुआ है MD35F, याशिका की ब्रांडिंग और मोटर विंड यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर में जो आपको ये कैप्चर वाला बटन मिल जाता है, इस तरीके से ऑन ऑफ भी होता है ये कुछ, अभी मैं इसमें बैटरी डाल करके देखते हैं ये कैसे काम करेगा। और यहाँ पर हमें एक बटन मिलता है जो कि इसको ऊपर करने से ये बैक पोर्शन ऑन होता है, और इसको अगर यूं करके इधर घुमाया जाए तो ये कुछ रिवाइंड का काम करता है, ठीक है। और नीचे की साइड में इस पर मिलता है एक, यहाँ आर लिखा हुआ है या ए, ये आई थिंक रिवाइंड वाला कुछ सिस्टम है जिससे मोटर घूमती है। और यहाँ पर है हमारा बैटरी इंसर्ट करने का ऑप्शन, यहाँ से ओपन लिखा हुआ है, इसमें यहाँ बैटरी इंसर्ट होगी, ठीक है। और साइड में कुछ खास दिया नहीं है, यहाँ दो नोजल दिए हुए हैं जिससे कि हम इसको गले में लटका सकते हैं, पहले के ज़माने में अच्छी खासी लटका सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैश ऑन, बाकी सब चीज़ है, मैं इसका बैक पोर्शन और खोल करके दिखा देता हूँ, इसको हल्का सा यूँ करके ऊपर करेंगे तो ये पोर्शन आपका खुल जाएगा यूँ, ठीक है। इसका जो लेंस है वो सामने रहता है, यहाँ पर मैं हमारा रोल डल जाता है, रोल डलने के बाद में जो फिल्म रहती है वो इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ है ये घूमती है, इसमें कोई मोटर इंसर्ट होती है जिस मोटर के थ्रू ये घूमती है और जहाँ पर जो फिल्म लगती है उस फिल्म को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो इस तरीके से ये कैमरा जो है काम करता है। तो अब हमारी बारी है कि हम इसमें बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं, तो मैं इस पोर्शन को खोल लेता हूँ, तो वैसे यार ये खुल गया है। और ये रहे दो बैटरीज जो कि मैं इसमें इंसर्ट करूँगा, ये इस तरीके से और ये वाली जाएगी इस तरीके से, क्या हुआ, ये और ये इस तरीके से, ठीक है। इसका ढक्कन लगा के कर देते हैं बंद। अब मैंने जब ये बटन दबाया तो आपको अंदर रेड कलर की एक लाइट दिख रही होगी, ठीक है, हाँ ये अच्छा, ये लॉक हो जाता है इस तरीके से। अगर ये जो चीज़ है ना ये वाला, इसको अगर आप इधर की साइड यूं मूव कर देंगे तो ये जो बटन है वो लॉक हो जाएगा, अंदर दबा हुआ है। और यहाँ पर इधर की साइड रखेंगे, यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर राइट साइड करते हैं आप तो ये ओके काम करेगा, और लेफ्ट साइड करते हैं तो ये हो जाएगा बंद, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसका रोल दिखा देता हूँ मैं, कैमरे को 1 सेकंड साइड में रखते हैं, और ये होता है इसका रोल जो कि इसमें लगेगा।
ये कैमरा मेरा जो है प्रॉपर ठीक नहीं है, अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन इसमें देखो ये जो चीज़ है ना, ये इसके जो अंदर लगा रहता है मोटर से जो ये आगे बढ़ता है, उसने ये ख़राब कर दिया। लेकिन फिर भी एक बार इसको मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको खोल के यहाँ पर अपना रोल इंसर्ट करेंगे, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से लगता है यहाँ पर। और ये वाला पोर्शन जो है हमें यहाँ से अंदर डालना रहता है थोड़ा सा, रिवाइंड ऐसा ये कुछ होता है इस, ये इसको लगा दिया है मैंने यहाँ पर अंदर, ठीक है। अब इसको करेंगे यहाँ पर बंद। होता क्या है देखिए, जैसे हम कैप्चर करेंगे इसे तो अंदर से एक फ़ोटो खींचता है और ये जो चीज़ है यहाँ से घूमेगी। आवाज़ आई होगी आपको, एक बार मैं वापस से सुना देता हूँ। ये जैसे मैं ये वाला बटन जो है ये प्रेस करूँगा एक और बार, जो आजकल के डिजिटल हमें देखने को मिलते हैं, फ़ोन से हम कैमरा क्लिक करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का साउंड होता है। तो वो जो साउंड उठाया गया है ना, वो भी शायद इसी की आवाज़ से सुनाया गया। अब मैं इसका बैक पोर्शन जो है बंद करूँगा यहाँ पर, और मेक श्योर कि इसके जो कांटे रहते हैं यहाँ पर, जो कांटे से रहते हैं उसमें ये फिल्म इस तरीके से लगा दी जाए, ये आपको दिख रही होगी। अब इसको बंद करेंगे हम, ठीक है। तो अब बारी है हमारा फ़ोटो लेने की। अब इसका फ्लैश जो है ओपन करते हैं और यहाँ से पहला साउंड आया है मेरा, ठीक है। एक सेकंड में आपको आवाज़ और सुनाऊँ। ये मैंने यहाँ पर रखा है और कुछ इसकी फ्लैश नहीं जल रही है, पता नहीं क्यों, पहले जल जाती थी ये, रेड लाइट आपको शो हो रही होगी। गाइस यार अभी जो है इसकी फ्लैश भी जल गई, जैसा कि आपने देखा अभी नहीं जल रही है, कभी कभार जल जाती है थोड़ा सा हिलाने के बाद। काफ़ी सारे जो है फ़ोटो हमने एक बार इसमें खींच के देखे हैं, ये जो फ्लैश है कभी कभी जल जाती है थोड़ा सा हिलाने पे। इसमें कोई प्रॉब्लम है देखो, जैसे कि अभी नहीं जली है। अब हम इसको बैक पोर्शन जो है खोल करके देखते हैं कि इसमें जो हमारे फ़ोटोज़ हैं वो क्लिक हुए भी हैं या नहीं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो सीन है ना, ये इसको काट देता है। मैं एक बार पास से दिखा दूँ आपको, देखो पास से दिखा दूँ, ये जो चीज़ है ये घूम रही है देखो यहाँ पर, और मेरी फ्लैश भी कभी कभार जल जाती है। तो ये जो है ना रोल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ, ये रोल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आई डोंट नो वाई, शायद यहाँ से कुछ हो सकता है। ये रोल आगे नहीं जाता है, यानी फ़ोटो क्लिक होने के बाद में इस पोर्शन में फ़ोटो क्लिक हो जाता है और उसके बाद में इतना जो है वो आगे चला जाता है, दूसरा फ्रेम इसमें आ जाता है। लेकिन देखो ये अटक गया शायद, अभी तो काम ही नहीं कर रही। अच्छा ये वाला जो चीज़ है ना, इसको अगर हम ए की साइड पर रखेंगे, मतलब ए पर रखेंगे, तब आपका फ़ोटो जो है क्लिक रहेगा। ये चीज़ आपका इस ध्यान रखना, अगर आपके पास भी कैमरा है तो ये जो आर है और ए है, अगर आपका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ए की साइड है तो आपका जो है फ़ोटो यहाँ पर क्लिक होगा, जैसा कि आपने देखा। और आर की तरफ जो होता है वो रिवाइंड होता है। अगर हम इसको आर की तरफ यूँ रख दें और ये बंद है, तो इसको हम यूँ करके रिवाइंड कर सकते हैं। एक मिनट में खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये यूँ करके बंद है, तो हम इसको यूँ रिवाइंड करेंगे तो रील वापस आ जाएगी, ठीक है। बाकी की हम इसको अंदर ही डाल देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और अंदर डाल देता हूँ, वैसे तो जा नहीं रहा है पता नहीं क्यों। इसके यहाँ पर ना कुछ दिक्कत है, मुझे खोल करके हो सकता है देखनी पड़ेगी, ये ठीक करनी पड़ेगी। एक बार रोल निकालता हूँ, तो ये जो फ़ोटो खींचता है ना यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर भी चला गया था।
इस पर जो है वो कुछ नेगेटिव्स छपते हैं, पता नहीं इस पे मैं ज़रा फ्लैश मार के देखता हूँ, क्या पता कुछ छपा हो। फ्लैश देना, नीचे से मारो फ्लैश इसके, पूरा रोल जो है अब यहाँ पर प्लेन सही नज़र आ रहा है, फ़ोन की लाइट और नज़र आ रही है क्लियर। शायद पता नहीं इसको कुछ पानी वगैरह में भी रखते हैं, तो इसको मैं एक बार और वापस से रिवाइंड करता हूँ इतना। अब इसको यहाँ पर लगा करके वापस से एक बार हम लगाएंगे, ठीक है। अब ये, अब मैं यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ, देखते हैं कि अंदर जाता है या नहीं, ठीक है। इसको कर दिया बंद, और इसको यहाँ, अब इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि अंदर जा रहा है कि या नहीं। नहीं गया। अच्छा ये, सॉरी सॉरी, डिवाइन पर सेट था इसलिए, अब ए पर कर देता हूँ मैं इसे। गया, हल्का हल्का घूम रहा है गाइस, अगर आप देख पा रहे हो, लेकिन वो कट रहा है। इसमें यही दिक्कत है मेरे वाले कैमरे में, देखो ये फिल्म इसने यहाँ से काट दी है, बाकी कैमरा बिल्कुल ये ठीक है, सिर्फ यही एक दिक्कत है, यहाँ से फिल्म जो है काट दिया। अगर मैं इसको थोड़ी सी यहाँ से कैची से काट दूँ तो मे बी ये हो सकता है काम करने लगे। तो यार रोल जो है मैंने एक बार इसको काट दिया है यहाँ से थोड़ा इतना, अब वापस से इस रोल को दोबारा से इसमें लगाते हैं यूँ, और इसको करते हैं यहाँ अंदर, और अपना रोल को थोड़ा सा यहाँ पर अंदर लगा देते हैं, ठीक है। हो ना हो अब ठीक काम करना चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब ये हमारा कैमरा जो है क्लिकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, फ़ोटो खींचने के लिए। आवाज़ सुनी आपने गाइस, एकदम देखना आवाज़ सुनना वापस से, मैं इसको वापस से इसने जो है आवाज़ बिल्कुल, आवाज़ से ही पता चल गया है कि इसने अंदर से जो है वो काट दिया है। अब मैं इसको खोल करके देखता हूँ, देखो यहाँ पर एक लाइट भी जल रही है, पता नहीं किस चीज़ की है ये, आपको दिख रही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट जल गई है, तो इसको ओपन करते हैं, कैमरा आई थिंक ठीक ही है ये। ये देखो वापस से इसने काट दिया, मतलब ये अंदर ही नहीं जाता यार, पता नहीं क्यों। अब गया अंदर, पता नहीं रोल नहीं होता है ये, सिर्फ कैमरे की यही दिक्कत है। बाकी अगर मैं ये खोलूँगा तो मे भी हो सकता है कि ये पोर्शन मैं ठीक कर लूँ। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना भाई। जितने भी सब्सक्राइबर या वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।